class. What a moment. Thank you. We have made it very quickly for you. Yes. In no time. This is your department, so you cannot run away. Sir, I am accommodating more people. ओम विश्वानि देव सवित दुरितानि परासम यत भद्रम तन्नासम सर्व मंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते त्र्यंबकम् जजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमय बंधनान् विद्युर्मोक्ष्यमाम् काल हर दुख हर दारिद्र हर कष्ट हर रोग हर 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 महादेव। मैं धन्यवाद देता हूं कि आपकी सेवा का अवसर मिला। आज नवरात्रि का पांचवा दिन है और ऐसे अवसर पे आप मुझे यहां लोक सेवा के माध्यम आपने उपस्थित कर रहे हैं, उसमें आप मुझे याद करें, ये मैं धन्यवाद देता हूँ। और आदरणीय अडवाणी जी, आदरणीय अवस्थी जी, मुझे आप कहें या पूछें तो मैं तो ये कहूँ कि हीरो यहाँ है। वो इसलिए कि जो फिल्मों में और सिनेमा में हीरो हुआ करते हैं वो तो एक मनोरंजन और अलग अलग नई नई सोच लेकर आ जाया करते हैं, परंतु जिस वक्त आदमी तकलीफ और कष्ट में होता है तो उसे या तो माँ याद आती है नहीं तो फिर डॉक्टर याद आता है। मैं माँ की सदैव उपासना करते आया, मुझ पर कृपा रही और मेरे में ज़रा भी ऐसी लायक या काबिलियत नहीं थी कि मैं ऐसा स्टार हो जाता, परंतु मेरी माता जी आदरणीय निर्मला देवी जी की कृपा ऐसी रही मुझ पर। मैं सच कहूं कि मैं जरा भी इस लायक नहीं था कि मैं हीरो हो जाता। मैं कई बीमारियों से ग्रसित था, बहुत कष्ट और तकलीफ में था। मैं 13 वर्ष की आयु में मेरी हड्डियों में ताकत नहीं होती थी तो डॉक्टर के पास जाना पड़ता था। मैं मिर्गी पेशेंट होता था, कहीं बेहोश हो जाता था तो सड़क पे नहीं चल सकता था, किसी ऊंचाई जगह पर खड़ा नहीं रह पा सकता था। दांत सब एक साथ हिल के बहुत एक साथ गिर गए थे सभी। मैं ऐसा सोचने लगा हुआ था कि ये क्या हो गया है। और बीमारी इस वक्त आदमी हो जाता है तो थोड़े समय तक तो लोग आपके अपने जितने होते हैं वो साथ दे दिया करते हैं, फिर वो थक जाते हैं, फिर वो आपके साथ नहीं आते। फिर ऐसे में डॉक्टर साहब और आप, तो मैं पूछा करता था डॉक्टर साहब से, डॉक्टर साहब मैं कभी सही हो पाऊंगा अभी कि नहीं, तो डॉक्टर साहब कहे गोविंद हो जाओगे, ये तकलीफ दूर हो जाएगी। क्या मालूम मेरी माता जी को मुझ पर कैसे ये उन्हें विश्वास हुआ और वो एक माला और एक आसन ले आए और कहा गोविंद तुम 14 वर्ष के हो रहे हो बेटा, 14 से 21 24 लाख गायत्री करो, ये बीमारी निकल जाएगी। मैं 14 से 21 24 लाख गायत्री किया और विश्वास मानिए उसके बाद मैं बीमार नहीं। तकलीफ होती है पर तकलीफ की वैसी तकलीफ नहीं होती जिसे तकलीफ कहा जा सके। हंसता ही रहता हूं और थकता नहीं हूं,
आपकी तरफ। मेरा ये सोचना है कि जिस वक्त जिस व्यक्तियों पे खास तौर पे माओं की कृपाएं हो जाती हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि पिता विशेष नहीं है, परंतु जिस वक्त माओं की कृपा हो जाती है तो वो आदमी पीछे मुड़ के नहीं देखता है। और मैं इनकी उपस्थिति में सदैव खड़ा रहा करता हूँ। वजह यह है कि मैं माओं के साथ हूँ और मावे सब अवस्थी जी के साथ, जो जहां है सब माए अवस्थी जी के साथ। तो मुझे तो आप दैविक पर्सनालिटी लगते हैं। वजह यह है कि सब, हाँ ये दैविक है, सच सच कह रहा हूं। मैं आपके साथ सदैव खड़ा रहा करता हूं और कभी किसी प्रकार का सवाल नहीं करता हूं। आर्टिस्ट हो जाता है आदमी तो बहुत शक करने लगता है हर चीज में, क्या इंजेक्शन दे रहे हैं, क्या दवाई दी है, क्या रिएक्शन होगा, कैसे रहेगा, क्या होगा, बड़ा पूछने लगता है। परंतु जिस वक्त आप बच्चे दे दिया करते हैं कहीं पे और आप सोचा नहीं करते उसके बाद, वो वाकई सब लोग दैविक हुआ करते हैं और आपकी दैविक पर्सनालिटी है। मैं प्रणाम करता हूँ, मैं धन्यवाद देता हूँ कि मैं आपकी सेवा में यहाँ आ जाया करता हूँ। ईश्वर से यही प्रार्थना है कि आपका जो जो क्रियाएं आप कर रहे हैं स्वास्थ्य के लिए, जो सेवाएं प्रदान कर रहे हैं, वो सदैव कृपा माई की रहे आप पे, और किसी प्रकार का तकलीफ, कलह, कष्ट, लांछन, किसी भी प्रकार का कष्ट आप पे कभी ना आए, ऐसे आज माई से प्रार्थना करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ कि आपकी सेवा में फिर मौका मिला। थैंक यू सो मच, प्रणाम करता हूँ। See, we are a women and children's hospital, so we do everything to do with women, everything to do with children. So it was very important for us, and this was due since long. And one of the important part of treatment in any women or any child is basically a chemotherapy, very important part. And this we had, but it was not to the extent that we wanted to the level we wanted to. And now that is how we approach Dr. Advani ji, Dr. Tongaonkar and other doctors to start this particular project. And Dr. Advani ji was very, very kind enough to agree and said that, okay, we showed in the place. He went and had a look at the entire place and he was very happy. And he has special interest in pediatric and women. And especially he has done a lot of work in children, a lot of good path-breaking work in children. So he was very happy and he wants to do a lot of research activity, a lot of good work, and see that, you know, we can treat children with lot of care, with lot of compassion, with lot of love, with lot of warmth and good medical treatment. That is how it started, and we approached them and sir was very kind enough to take it further. Sir, what's your view on this? I think particularly in children, the cancer is quite common. It's not unusual. And I remember 40 years ago, we had really no treatment for them, for children. Today is other way around. Today the cancer in children is the most curable disease. More than 80% of these children suffering from cancer, whether it's a blood cancer or whether it is any other soft tissue tumors, any cancer in children, they are curable. And that's why we have kept the interest in this. Of course, they require a lot of facilities, a lot of care during the treatment. And that's where I think the Surya Hospital, which has got the full infrastructure to take care of any problem associated with the childhood chemotherapy, is available. And therefore, I'm sure here is the place where we can cure a large number of the patients, the children with the cancer. Apart from this, I think the most important thing is the ladies. And all of you know that two cancers which are common. One is the breast cancer and second one is the carcinoma of cervix of the uterus. So that's where again the full progress has occurred. Today we have a vaccine to prevent the carcinoma of cervix. And of course, because of the pap smear,
we are able to diagnose the disease very early, and our surgeons, the gynec onco surgeon Dr. Tongaonkar, can take care of the early stage, the cancer of the uterine cervix, and that's where it's almost 100% curable. Similarly, in the breast cancer, also we have realized that breast cancer is a disease of lifestyle, and also that this can be detected early by the regular mammography. And that's where we will be able to really do such type of the camps and all other activities to educate the ladies, and also to make sure that we diagnose the disease early so that it can be cured. Not only it can be cured, but we can also preserve the breast and treat them early and get the long-term good results. Doctor, obviously we're talking about the affordability actually. That is also very important. So how have you taken care of that? So, you know, if you see our history, you know, last 37, 38 years, we have tried to see that we don't refuse any patient whether they can afford or they cannot afford. That is the last on our thinking. So even in newborn unit, whenever a baby comes, whether it's from Wadi Hospital or KM Hospital, we'll always take them. We will see that we look after the baby properly. We raise funds through our trust. Hospital gives them discount. We try and raise through some other organization like Tata's and various other places from platforms, various like Keto and Impact Guru. But we see that we don't refuse any patient, and no patient is refused any treatment. So in future also, whether it is oncology, whether it is our naked chemo, everywhere we will see that it is for everybody. It is for the entire strata of society, entire section. Everybody should get the same possible treatment over here, whether they are rich or poor, affording, non-affording, does not matter at all. This is only for the child and the mother? Women and children. Women and children. Everything to do with women, everything to do with the child. Thank you, sir. Thank you.